हेलो स्टूडेंट, दिस इज सोनिया कौशिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केसी बायोजोन। एंड आज की क्लास में हम करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, दैट इज़ फ्रॉम क्लास 10th, लाइफ प्रोसेस। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली 6 to 9 meter long एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड इट्स एंड एट्स एनस। So mouth have salivary gland that secretes saliva, and then it leads to food pipe that is also called esophagus, and the food movement of food in esophagus is called peristalsis, and then it leads to stomach. Stomach is J shape, or digestive gland. Largest digestive gland is liver. Second largest digestive gland is pancreas. और लीवर के साइड में ही एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लेडर। लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस, लीवर से बाइल जूस सिक्रेट होता है जो स्टोर होता है गॉल ब्लेडर के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इज द केमिकल साइट ऑफ डाइजेशन, यहाँ पर केमिकल डाइजेशन होगा, केमिकल डाइजेशन यहाँ पर होगा, और स्टमक के अंदर होगा मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन होगा स्टमक में, केमिकल डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देन देर इज़ अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दैट इज़ कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन, एंड रिसर्च इज गोइंग ऑन कि ये अभी लिम्फॉइड ऑर्गन भी हो सकता है, क्योंकि जिन पेशेंट्स के अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है ऑपरेशन के बाद, सो दैट हैव लेस इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गन अदर इंडिविजुअल्स दैट हैव वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देन लार्ज इंटेस्टाइन दैट डिवाइडेड इंटू केकियम, कोलोन एंड रेक्टम। Then this anal region is there, excretory waste will be removed by this anus only. तो glands की बात करते हैं, सबसे पहले we have salivary gland जो कि three salivary gland, parotid, submaxillary and sublingual. Parotid gland cheeks में होती है, submaxillary near gums and sublingual below the tongue. Salivary amyl is most important enzyme that is present in saliva, जिसको पहले ptyalin भी बोलते थे। और इसके अलावा स्लाइवा में IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं, सिक्रेटरी एंटीबॉडीज़। स्लाइवरी अमाइल जो प्रेजेंट है दैट हेल्प्स इन 30% ऑफ स्टार्ट डाइजेशन। लाइसोजाइम है दैट किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स। देन एपिग्लोटिस इज देयर, एपिग्लोटिस जो इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप में फूड की एंट्री को रोकता है। और अगर हम बात करें स्लाइवा प्लस फूड, स्लाइवा और फूड कहलाता है बोलस। देन हम बात करते हैं लीवर की, जो कि सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। वेट फॉर अ सेकंड। हाँ जी, लीवर जो सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पर है। सो लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं है, इट डजेंट हैव एनी एंजाइम, एंड इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर। फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को छोटे छोटे ईजी एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट करता है, ताकि वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। देन बाइल जूस में कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं, बाइलीरुबिन, बाइलीविरिडिन। अब आपको पता है स्टमक में एक एसिड होता है, दैट इज़ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH है 2 to 2.5। फंक्शन है सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, और ये एसिडिक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है कुछ एंजाइम, जैसे कि पेप्सिनोजन। इसको एक्टिव पेप्सिन बनने के लिए लिक्विड रिक्वायर्स एसिडिक pH। पेप्सिन को प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। HCl ऑल्सो किल्स द हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन फूड सब्सटेंसेस। और म्यूकस लाइनिंग जो होती है स्टमक के अंदर, इट प्रिवेंट्स द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। और HCl प्लस फूड, HCl के साथ जब फूड मिक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं काइम, CHYME, क्या बोलते हैं, काइम, ठीक है। और जब वेस्ट प्रोडक्ट चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसको हम बोल सकते हैं काइल, CHYLE। तो माउथ के अंदर बोलस बोलेंगे, स्टमक के अंदर काइम, जब HCl के साथ, और वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होगा दैट इज़ कॉल्ड काइल। So this is all about a little bit brief introduction about the alimentary canal. In our next video we are going to discuss about pancreas. हम pancreas के बारे में discuss करेंगे, ठीक है, और हम discuss करेंगे all the digestive juices. तो ये याद रखेंगे, site of digestion is stomach, chemical site of digestion is small intestine. और small intestine में एक और topic आप कर लीजिए, small intestine में देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वी हैव फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। क्या काम है स्टूडेंट्स, इट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो माइक्रोविलाई है, ठीक है, दे हैव लैक्टील्स इनसाइड। यहाँ पर लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है अंदर, जिनको हम बोलते हैं लैक्टील्स, लैक्टील्स होती है, ठीक है।
दैट हेल्प्स इन फैट एब्जॉर्प्शन. फैट एब्जॉर्प्शन में ये लैक्टिल्स हेल्प करती है. सो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को दे रही है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज को और डाइजेस्टिव जूसेस, बाकी डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब. गुड बाय.